नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं कस्तूरी अत्रावलकर जी को। भारतीय शास्त्रीय संगीत की साधिकाओं में से एक हैं, ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखती हैं। और संगीत में किस तरह से सफर की शुरुआत हुई, आज शास्त्रीय संगीत को किस तरह से देखती हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कस्तूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम इस बातचीत को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें और पहले हिस्से में उस बुनियादी प्रश्नों को रखें जो किसी भी कलाकार से पूछे जाते हैं, दूसरे हिस्से में हम थोड़ा सा और संगीत से स्पेसिफिक प्रश्नों पर आएंगे। लेकिन पहले हिस्से यहीं से कि आपके घर में तो संगीत की परंपरा थी, तो सीखना क्या उसी परंपरा के तहत शुरू हो गया या आपके अंदर भी इंटरेस्ट था और आपको लगा कि नहीं, मुझे संगीत सीखना है? नमस्कार सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। और शिवेंद्र सिंह जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आपने रागगिरी में मुझे बुलाया है और मेरा जो भी छोटा सा जर्नी है उसके बारे में सबको मालूमात करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। जैसे आपने कहा कि घर में बचपन से संगीत का माहौल था, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, रेडियो पर गाती थी शास्त्रीय संगीत और घर में 2400 घंटे संगीत चलता था, तो बचपन में तो ऐसे कुछ अलग से खास सीखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मम्मी क्लासेस भी लेती थी, तो हम दूसरी रूम में वो कान पे आते रहता था, भले ही बैठ के सामने ना सीखे लेकिन वो अंदर तक चला गया था उसी टाइम में। और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता गया, उसका जो अट्रैक्शन था, वो संगीत का जो आकर्षण है वैसे भी होता है और घर में ही है तो पापा मम्मी थोड़ा सा जोर लगाते थे कि नहीं थोड़ा बैठो, थोड़ा कुछ करो, तो बचपन में इतना सीरियसनेस नहीं था उसके बारे में। और बाद में धीरे धीरे जैसे कॉलेज में चले गए और स्कूल में, सीनियर स्कूल्स में, तो पता चला कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल है जो लोगों में नहीं है और सारे लोग कहते कि अरे तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी, तुम कितना अच्छा गाती हो, तब थोड़ा सा लगता था हाँ नहीं कुछ तो है। और फिर उसके बाद सीरियसली उसका परस्यू करना शुरू कर दिया कि नहीं करना है म्यूजिक और उसी में जाएंगे करके।
अच्छा, ये सो सवाल ऐसे मैं, संगीत की बात हुई। ये सवाल अक्सर मैं मेहमानों से पूछता हूँ, लेकिन अब आपने चूंकि कहा तो ये सवाल और ज्यादा रेलेवेंट हो गया। आप जब सीखना हाँ शुरू करते हैं ना, कई बार तो ऐसा होता है कि अब चूंकि घर में माँ गाती हैं, तो आपने उनके साथ कभी कुछ गुनगुना लिया, कभी कुछ अकेले में गुनगुना लिया। जब आपके अंदर सिंसियरनेस उस वक्त आना शुरू होती है जब लोग आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं, आपसे कहते हैं कि यार करेक्ट। बहुत अच्छा गाती है, इसको सिखाओ। और माँ के कलाकार रहने की वजह से, चाहे वो आपके स्कूली टीचर्स रहे हों या जो कलाकार घर पे आते रहे हों, उन्होंने जब कहा हाँ होगा कि ये कस्तूरी अच्छा गाती हैं, इनको सिखाओ, तब शायद आपको भी अंदर से लगा होगा कि नहीं, अब मुझे सीखना चाहिए। हाँ वो अंदर से तो था कि मुझे करना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जहाँ घर में ही है संगीत तो फिर उसका थोड़ा उस टाइम में लगता है कि हाँ बाद में कर लेंगे, और बाकी चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करते रहती है। सो मुझे मेरे घर में पापा को, जैसे म्यूजिक कंपोजर थे पापा, और ड्रामा का वो लिखते भी थे बहुत अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज, और उनका नॉवेल भी उन्होंने लिखा था। सो घर में लिखने का मतलब साहित्य, संगीत और घर में ड्रामा, ये तीनों का भी वातावरण था। मम्मी संगीत नाटकों में भी काम करती थी, तो हम प्रैक्टिस देखने के लिए जाते थे, तो वो ड्रामा भी एक ऐसी चीज थी कि जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, और म्यूजिक तो था ही। सो ऐसे टाइम में फिर बैठ के बाद में सोचा कि संगीत करना है, क्योंकि उस टाइम में मुझे ड्रामा का बहुत शौक था। मैंने कॉलेज में और स्कूल में ड्रामा में खूब काम किया, बिल्कुल स्टेट लेवल्स पे भी मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले। और क्या हुआ कि शादी के बाद जैसे म्यूजिक हो रहा था, लेकिन इतना सीरियसनेस उस टाइम तक नहीं था। और मैरिज मेरा, मेरे हस्बैंड जो है वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर है, अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन उस टाइम में हम पहला ही पोस्टिंग आया जो जम्मू था, तो जम्मू शादी के बाद पोस्टिंग में गए तो पूरा माहौल अलग, डिफेंस का माहौल पूरा अलग रहता है, और मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी वो टोटली अलग था। तो उस टाइम में मुझे फिर, मैं ड्रामा नहीं कर सकती क्योंकि पूरा हिंदी कल्चर था, और उस टाइम में 92 की बात है ये, उस टाइम में तो टेररिज्म इतना बड़ा हुआ था, तो सिटी में बीइंग एन डिफेंस ऑफिसर हमको ऐसे सिटी में जाने की परमिशन नहीं होती थी, विदाउट गार्ड या फिर कोई जो कन्वॉय होता है उसके साथ ही आप जा सकते, तो बाहर कल्चरल एक्टिविटीज के लिए जाना बहुत ही मुश्किल था। सो उस टाइम में फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस वक्त का मैं क्या कर सकती हूँ सबसे अच्छा, फिर तो संगीत तो था ही। सो मैं उस टाइम से फिर म्यूजिक जो शुरू हो गया, इतना तो बाकी सारी चीजें फिर पीछे हो गई, और सबसे अहम भूमिका जो फिर संगीत ने ले ली, तब से फिर चल ही रहा है। अच्छा, क्या माता पिताजी से पहले भी परिवार में संगीत की परंपरा थी, क्या ऐसा कुछ था, या माता पिताजी से ही ये शुरुआत हुई एक तरीके से? हाँ एक्चुअली मम्मी पापा के घर में ऐसे संगीत का माहौल नहीं था, मतलब ऐसे जो खानदानी परंपरा कहते हैं वैसा नहीं था, लेकिन मम्मी के घर में गाने का सबको बहुत शौक था। मेरे दोनों तीनों मामा भी बहुत अच्छा गाते थे, और सडनली मम्मी की शादी जिस घर में हुई तो पापा को भी संगीत का बहुत शौक था, और वो तबला बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। सो उस टाइम में हमारे घर में मतलब ऐसे संगीत का यज्ञ बोलो ना, तो ऐसे यज्ञ चलता था। सो घर में ऐसी पहले की परंपरा नहीं थी, वो हमारे से ही शुरू हुई, मम्मी से पापा से। अच्छा, जब मम्मी पापा दोनों संगीत में इन्वॉल्व हों, और वो भी शास्त्रीय संगीत में हो, नाटक में हो, करेक्ट तो बदमाशी बदमाशी करने का टाइम मिला बचपन में? कुछ खेल इधर उधर कुछ बदमाशी कर पाई, या सिर्फ संगीत ही होता रह गया? नहीं, खेलकूद बदमाशी भी कर पाई ऐसे नहीं है, संगीत तो चलते, क्योंकि रात मॉर्निंग में उठने के बाद से, उस टाइम में तो ये टीवी इतना नहीं था ज्यादा, मोबाइल नहीं थे, तो रेडियो हमारे घर में 24/7 चलते रहता था, तो पापा क्लासिकल म्यूजिक लगा के रखते थे, जो कान पे म्यूजिक का ऐसे है ना कि जितना आप गाओ उससे ज्यादा जितना सुनो उससे जल्दी आता है, और म्यूजिक का ईयर होने की वजह से वो कब ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ गया और दिमाग में बैठ गया, खून में मतलब जैसे ब्लड में ही आ गया, वो पता नहीं चला। तो ऐसे बदमाशी तो खूब करते थे, बहुत खेलने जाते थे, फ्रेंड सर्कल होता था, लेकिन एक है कि शाम को रात को रेडियो पर क्लासिकल सुने बिना पापा सोने नहीं देते थे किसी को, नहीं गाना है तो कम से कम सुनो
ये बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ये कहा भी जाता है कि अगर आपको अच्छा सीखना है तो अच्छा सुनना आना चाहिए। और हमारा तो बहुत जरूरी। जो ट्रस्ट है हमारा, हमारी जो संस्था है, उसमें हमारा तो एक कैच लाइन ही है कि सुनेंगे तभी तो सीखेंगे। क्योंकि बिल्कुल सही है, बिल्कुल जितना अच्छा आप सुने उतना ही आपको भी समझ में आता है कि क्या उस राग की गहराई क्या है या उस राग का चलन क्या है। वरना तो सात सुर की दुनिया है, सात सुर तो बहुत लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन कितना विशाल है वो आप जैसे बहुत कलाकार ही विशाल है। जानते सही हैं। तो आपने आपने कहा कि पिताजी ये इंश्योर करते थे कि सुबह शाम म्यूजिक अच्छा सुने बच्चे, उस करेक्ट। जमाने में कौन से कलाकारों को आप लोग सुनते थे जिसको कि अभी तक याद आता हो कि यार वो पंडित जी का वो सुना था या उस्ताद फलाने का सुना था? किन कलाकारों को सुनते थे बचपन में? करेक्ट करेक्ट। पापा को एक तो वसंतराव देशपांडे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नामी सिंगर है, उनका गाना बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे घर में उनकी रिकॉर्ड्स, टेप रिकॉर्डर होते थे उस टाइम में, तो टेप रिकॉर्डर पे मालिनी राजूरकर और वसंतराव देशपांडे और ये बड़े गुलाम अली खां, उनकी जो ठुमरिया या क्लासिकल उनका, और ये आमिर खान साहेब, उस्ताद आमिर खान साहेब, उनका गाना बहुत घर में चलता था। सो वो जो गहराई है गाने की, वो तब से अंदर पूरी तरह से बैठ गई थी कि नहीं, गाना आज भी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये है गाना जो है, ये मुझे कब आएगा। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कस्तूरी जी, जब खुद से एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अब मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। सिर्फ गाना ही गाने से कहने का आशय ये नहीं है कि मुझे दुनिया का और कोई काम नहीं करना, सिर्फ गाना गाना है। उसका आशय ये है कि वो जो एक भटकाव होता है ना कि एमए कर लें, थोड़ा सा टीचर बन जाए या कहीं इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, वो जो बहुत एक तयशुदा करियर ऑप्शंस हमारे परिवार में, हमारी अगली या पिछली जनरेशन से हमको सजेस्ट किए जाते हैं, उससे इतर हट के जब आप ये तय करें कि नहीं अब मुझे गायक ही बनना है, वो समय कब आया? वो समय आया, एक्चुअली मैंने एमकॉम किया कॉलेज में, क्योंकि पापा का कहना था कि म्यूजिक में करियर तुम करो, लेकिन तुम्हारा ब्रेड बटर कुछ और होना चाहिए, क्योंकि संगीत करना है एक आत्म शांति के लिए, अपने शौक के लिए। पर हमने देखा है कि बहुत सारे फैमिलीज में, ये खानदानी भी जो है, परंपरा जिनके घर में रही है, सिर्फ म्यूजिक करने से आजकल की दुनिया में तो बहुत मुश्किल होता है काम चलाना, क्योंकि क्लासेस आप पुराने जमाने में तो गुरुकुल सिस्टम था तो बच्चे आते थे। आजकल क्या हुआ है कि बच्चों को भी टाइम नहीं है और सब कमर्शियल हो गया है, तो सिर्फ म्यूजिक पे ब्रेड बटर विनिंग बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए पापा ने बोला था कि फॉर्मल एजुकेशन प्रॉपर लेना है, उसके बाद तुम म्यूजिक करते रहो, लेकिन तुम्हारा ब्रेड बटर के लिए कुछ और चाहिए। सो उस टाइम में तो हमने सब, मेरे बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई, वो भी म्यूजिक फील्ड में ही है, लेकिन हमने सबने अपना अच्छा एजुकेशन कंप्लीट किया एंड देन वी वेंट इनटू दिस म्यूजिक। कस्तूरी अत्रावलकर जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, और हमेशा की तरह कल रात ठीक 10 बजे हमसे फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।